Alex. I hope you all are good. Let's start our reading of chapter number 4, Living Things and the Environment. Our topic is Other Feeding Relationships. Feeding relationships do not stop as just herbivores and carnivores. Consumers that feed on both plants and animals are called omnivores. Feeding relationships aise nahi rukta jaisa ki herbivores aur carnivores pe nahi rukta. Consumers ke bare mein aage bataya gaya hai. Consumers jo ke पौधे भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं उनको हम कहेंगे ओमनीवर्स. पिग्स, बियर, बैजर्स, रैकून्स एंड ह्यूमंस आर एग्जांपल्स ऑफ ओमनीवर्स. तो ओमनीवर्स के एग्जांपल में ये तमाम आते हैं. स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड वेस्ट ऑर्गेनिक मटीरियल ऑफ द काइंड फाउंड ऑन द रबिश टिप्स. इनके बारे में है कि ये तमाम मुर्दा जानवर और फालतू वेस्ट ऑर्गेनिक जो फूड है गल सड़ जाने वाला उस पर जिंदा रहते हैं. वल्चर्स आर परहैप्स द बेस्ट नॉन स्कैवेंजर्स बट वल्चर्स होते हैं कि एक ऐसा जानवर है जो कि मुर्दा जानवर का गोश्त खाता है. ठीक है, मुर्दा जानवरों के गोश्त पर जिंदा रहते हैं, ये उनको खाते हैं. ये एक बेस्ट एग्जांपल बट देयर आर मैनी अदर. इसके अलावा और भी बहुत से हैं जैसे कि रेड फाइनस क्रोज सर्टेन स्पीशीज ऑफ गर्ल काइट एंड समटाइम्स फॉक्सेस. इसके अलावा भी बहुत से जानवर ऐसे हैं जो कि मुर्दा जानवरों पर जिंदा रहते हैं, मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं. ठीक है, देख मुख्तलिफ इकसाम हैं. कुछ पौधे खाते हैं, कुछ पौधे और गोश्त दोनों खाते हैं, कुछ मुर्दा जानवर खाते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स हैं. व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जब पौधे और जानवर मर जाते हैं उनकी बॉडी डिकेज गलने सड़ने के लिए पड़ी होती है तो वो ज़मीन के अंदर किस तरह डिसअपियर हो जाती है. तो जो मेन डिकम्पोजर्स हैं विच ब्रिंग्स अबाउट डिके एज सर्टन बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कि सर्टन बैक्टीरिया और फंजाई हैं, स्कैवेंजर्स हैव टू ब्रेक डाउन. वो मदद करते हैं उसको तोड़ने में, डेड बॉडी को, डेड एनिमल्स को, इसको छोटे छोटे पीसेस में करते हैं. रिट्रीटिवर्स सच एज अर्थवॉर्म, रिट्रीटिवर्स में अर्थवॉर्म्स, वुडलाइज, मिलीपेड्स एंड स्लग्स मे ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स मटीरियल्स इनटू स्मॉलर पीसेस. इवेंचुअली द डेड बैक्टीरियल एंड द फेसेस आर ड्रॉपिंग ऑफ द एनिमल्स दैट एट एट बिकॉज फूड फॉर बैक्टीरिया एंड फंजाई. ड्यूरिंग द डिके और डिकम्पोजिशन प्रोसेस द वंस लिविंग मटीरियल इज ब्रोकन डाउन इनटू ह्यूमस इन द सॉइल. दिस इवेंचुअली फॉर्म मिनरल सॉल्ट व्हिच लिविंग प्लांट्स कैन यूज टू हेल्प मेक देयर फूड एंड ग्रो. तो इस तरह जानवर एक दूसरे पर इंहसार करते हैं खाने के जरिए, जैसा कि पौधों को खाने वाले. ठीक है, उसके बाद हम किस तरीके से करेंगे ओमनीवर्स, हर्बीवर्स. तो अब डेड प्लांट्स को भी देख लिया आपने, डीकम्पोजर्स जो डीकम्पोज करते हैं डेड बॉडी को. इसके अलावा जब एक उनके जरिए ड्यूटीवर्स के जरिए ये खाना ज़मीन के अंदर चला जाता है तो वो मिनरल सॉल्ट की फॉर्म बन जाता है. और इन मिनरल सॉल्ट को इस्तेमाल कौन करते हैं? पौधे अपना खाना बनाने के लिए. Working together, so far the relationship between plants and animals we have described here involve food, but even these are not the only feeding relationships like jo upar discuss kiya. Many living things live together in groups. Deer and zebra like together in herds because in a herd there are many eyes and ears to alert for danger. Ye groups ki surat mein is tarike se rehte hain. Unka kehna hai ki groups ki surat mein rehne ke liye is tarah bahut si aankhein aur bahut se kaan hain taaki wo khatre ko dekh sake. Sirf ek agar janwar hai to uske liye to mushkil hai apne khatre ko dekhna, jabki ek group pe bahut zyada janwar hain to unme se koi to khatra dekh ke alert kar sakta hai. Lions live together in a लाइंस भी रहती हैं एक फैमिली ग्रुप की सूरत में कॉल्ड अ प्राइड, जिसे हम प्राइड कहा जाता है बिकॉज दे आर बेटर एबल टू वर्क, क्योंकि वो एक साथ काम करके अपने शिकार को बहुत अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं. बाजुकार टू क्वाइट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर इन अ वे दैट बोथ हेल्प्स. Most crabs rely on their hard shells to protect themselves from accidental injury attack. Crabs ke paas to ek shell maujood hota hai jiski madad se wo apne aap ko protect karte hain. Hermit crab through take up home in the empty shell of whales. The hermit crab has taken over the empty shell of whales. The crabs can withdraw into the shells when it is in danger. क्रॉप्स के बारे में क्रैप्स के बारे में बात हो रही थी. जब वो खतरा महसूस करते हैं तो अपने आप को एक शेल के अंदर कवर कर लेते हैं ताकि वो खतरे से बच सकें. ऑफन द क्रैब यूजेस इट्स पिंसर्स टू पिक अप अ सी एनिमल व्हिच इट प्लेसेस ऑन द बैक ऑफ द वर्क शेल. एवरीवेयर द क्रैब गोज द एनिमल आल्सो गोज. द क्रैब बेनिफिट्स बाय यूजिंग कैमोफ्लैग. कैमोफ्लैग होता है किसी जानवर का अपने आप को खतरा देकर बचाना, जैसा कि जैसा उसका रंग मतलब जैसा कि
मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सर कि ग्रॉस हॉपर का रंग ग्रीन होता है तो वो पत्तों के अंदर छुप के अपने आप को कैमोफ्लैग के जरिए बचाता है दूसरे परिंदों से. एंड हैविंग इट्स एनिमीज फ्राइटेंड ऑफ बाय द एनिमोन स्प्रिंगिंग टेंटिकल्स टेंटिकल्स द एनिमोन गेन्स बाय फीडिंग ऑन द बिट्स ऑफ फूड द क्रैब लीव्स ऑन द फ्रीक्वेंट ग्रासलैंड बर्ड्स called oxpeckers cling to the skin of zebras, giraffes, antelopes, gazelles and other large animals. The oxpeckers search for the ticks and other blood-sucking invertebrates that feed on large mammals while the mammals benefit by having these invertebrate pests removed. There are also examples of mutualism amongst the plant-like organisms called lichens. Each lichen is made up of thread of fungus mixed together with cells of simple green plant and algae. The fungus cannot make food for itself. Fungus ke baare mein agar wo khana khud nahi bana sakti, but benefits from the food made by algae. Algae benefits from the shelter provided by the fungus and it is protected from drying out. Lichens do not have roots. They simply take in water, dissolved chemicals and gases over the whole surface. Lichens grow on trees, walls, rocks and many other surfaces. They grow best in wetter areas. Lichens ke baare mein hai ki ye kis jagah par hoti hai. Ek to ye pani pe hoti hai, apne andar pani simply take in water us jagah par jahan par ye pani ko apne andar dissolve kar sake, chemicals ko dissolve kar sake, and grass over their whole surface. Aur iske pure jahan jis area mein ye hota hai us pure area mein ghaas hoti hai, theek hai. Ye drakhton par, deewaron par, chattanon par pai jati hai. Another example of mutualism occurs in the digestive system of herbivorous mammals such as cattle, deer, sheep, antelope, giraffe and camels. Bacteria in the stomachs of these mammals, inke jo stomach mein medon mein paaye jaane wala stomach mein paaye jaane wala jo bacteria hai of these mammals help to digest the glucose into grasses and grass to herbivores hai na to ghaas wagaira khate hain unke andar jo cellulose paaya jata hai usko digest karne mein madad deti hai and other plants material they eat. In return, the bacteria receive food, warmth, shelter and protection. A lichen is an example of mutualism between a fungus and an alga. So, ye hamara topic yahan pe close hota hai. Inshallah, apne agle lecture mein hum page number 38 and 39 discuss karenge. Till then, Allah Hafiz.